प्रणाम सुप्रभातम। आज हम बहुत ही दिव्य स्थान पर हैं। सर्वप्रथम तो आप सबको आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि जो जिंदगी का मकसद है ना, आपका जो शुभ संकल्प है ना, वो पूरा हो सके, वो पूर्ण हो। जीवन का लक्ष्य जिसके लिए हम संसार में आए थे, जिन दिव्यताओं को आप करना चाहते थे वो आप पूर्ण कर सकें। आज हम निकुंज वन के नाम से ही आपको लग रहा होगा स्वप्न वन में है। उधर देखिए मोर है, उधर पक्षियां हैं, उधर तोते हैं, पक्षियों की कलरव करती हुई ध्वनि यहाँ पर आ रही है। तो मैं हूँ भगवान कृष्ण की तपस्थली, लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली वृंदावन में। वृंदावन में आदरणीय, बहुत ही श्रद्धेय, जो भागवत के माध्यम से, भगवान श्री राम की कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति की ओर जोड़ते हैं, ऐसे पूज्य विजय कौशल जी महाराज, उनका ये आश्रम है। आश्रम क्या सच मानिए, एक तपस्वियों की कुटिया है। यहाँ बड़ी सारी विविधताएं हैं, तो मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा। गाय को कहूंगा कि मेरे पास पास रहें, जिससे मेरी आवाज आपको मिले। तो ये जो जगह है आप देखेंगे, इतनी सारी यहाँ पर पक्षियाँ हैं, इतने सारे जानवर हैं, इतना ही नहीं यहाँ पर हिरण भी है। तो वो सारी जगह पर अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए पक्षियों को दाना डाला जा रहा है, सुबह इतने पक्षी आ रहे हैं आपको, जैसे मैंने दिखाया उधर मोर है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए रेत, ये रेती रेत, ये पूरी जमीन ऐसी ही रेतों में, ये रेतीली जमीन थी, ये पूरे ये रेत ही रेत। आज भी इन जगहों पर पूज्य महाराज श्री ने बहुत परिश्रम करके ये इन वृक्षों को उगाया है, एक एक वृक्षों को जिंदा करने के लिए। और आप देखें कि जब हमें अच्छा लगता है, हम कहीं भी जाएं, औषधीय पौधा ना हो तो उसका आनंद ही क्या है। आप देखिए गिलोय इतनी भरपूर लगी हुई है, इस तरह से ये बेल पूरी फैली हुई है इसमें, और किसी ने प्रयोग के लिए लेकर के गए होंगे, तो बाकी तोड़ करके भी ये सब। तो यहाँ पर वनौषधियाँ हैं, यहाँ लताएँ हैं। आप आइए जरा इधर दिखाते हैं, देखिए क्या सुंदर, एक साथ कबूतर है, मोर है, फिर उधर तोते हैं। ये देखो तोते का भरमार है, लेकिन आप देखिए इतने तोते, शायद आपने कभी जंगल में, बहुत बड़े जंगल में देखे होंगे। मैं चाहूँगा कि इन तोतों को थोड़ा नज़दीक से दिखा दें, कितनी सुंदर कलरव है, कितने सुंदर गाना चूग रहे हैं। हमको देख कर के ये उर्वी यहाँ दोबारा आ जाएंगे। ये आप देखिए कितनी खाएंगे, कुछ तो इतनी इनको आदत पड़ गई है इनको, बहुत क्योंकि मनुष्य के बीच में रहने की। तो ये बहुत सुंदर दृश्य, उधर देखिए मोर एकदम घूम रहा है। मैं चाहूँगा कि इधर से देखो, ये सुंदर सा दृश्य दिखाएं, क्योंकि सुबह सुबह हम बहुत आनंद ले रहे थे। कल्पना करिए, भगवान श्री कृष्ण जब उनका बचपन में इन वृंदावन में, मथुरा में, इन क्षेत्रों में जब वो भ्रमण करते होंगे, जब अपने ग्वाल बाल के साथ में जब जंगल में जाते होंगे, वो जंगल कैसा होगा, इतनी सुंदर ये परिवेश होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए आज के दिन में इन पक्षियों को देखकर के आपको लगेगा कि ये पक्षी किसी आश्रम के अंदर हैं, और भांति भांति के रंग बिरंगे यहाँ पर हैं। ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। तो बहुत दिन हो गए थे, हमने कहा आपको और दिखाएंगे कुछ, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ी सी देर साथ साथ में। देखिए फालसे के पेड़ हैं, ये जामुन है, ये जो है मेहंदी है, बहुत सारी तरह के वृक्ष यहाँ पर हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसा भी दिखाना चाहता हूँ कि कुछ महाराज जी ने इतना परिश्रम किया है, यहाँ पर जो है बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हैं। और पेड़ों में भी जब यमुना बढ़ जाती है, तो यमुना ने कभी कभी इनको अपने आगोश में भी ले लिया है, तो पेड़ जो है ऐसे हो गए हैं कि मानो वो जैसे वो खेल रहे हो, आसन कर रहे हो, कूद रहे हो, ऐसा दृश्य जो है वो लगता है। ये देखिए ये अपना जो है अलग अलग तरह के वृक्ष लताएं, ये देखिए अब इस सीजन भी अभी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी आप देखिए मेहंदी कितनी सुंदर ये फ्लावरिंग की स्थिति में है, कितना सुंदर इनमें खुशबू है, बहुत प्यारे, बहुत उसमें स्थिति है। ये अशोक की प्रजाति है, यहाँ पर रुद्राक्ष महाराज जी ने लगाया, सीता अशोक का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम
प्रकृति के संरक्षण के साथ में, प्रकृति से देखिए प्रकृति का संरक्षण यदि हम करते हैं तो प्रकृति हमको आनंद देती है, सुख देती है, जीवन देती है। तो यह संदेश हमने हर समय पूरे देशवासियों का आह्वान भी किया है, निवेदन भी किया है, वही मैं दिखाना चाह रहा था। देखिए ये वृक्ष जो है, आप देखेंगे ये वृक्ष जब यमुना जी का पानी बढ़ गया, वृक्ष को उसने धातु दिया, कुछ इसकी जड़ें बच गई, पर जड़ें बच गई तो भी फिर देखिए वृक्ष कैसा लेटा हुआ है, लमलेट होकर के, पर हरा भरा है, लेट करके भी ये बढ़ गया है। इसी तरह से ये इतनी सुंदर दृश्य है। कुछ पेड़ों का दृश्य मैं और दिखाना चाहता हूँ कि आज सुबह सुबह हमको बहुत आनंद आया, हमने कहा हम आप लोगों को थोड़ा सा नजारा दिखा दें। देखिए यह पेड़ ये भी लेटा पड़ा है बारिश के उसके उसमें जो वर्षा हुई, और यह तो अद्भुत ही ढंग से लेटा हुआ। आप देखिए कुछ ऐसा लगता है कि वृक्ष न होकर के कोई शिष्य है जो गुरु के प्रति दंडवत के भाव से लेटा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आप देख कलरव की ध्वनि आपने सुनी होगी, तो यहाँ पर मोर पक्षियाँ कलरव कर रही हैं, आवाज कर रही हैं। तो यहाँ आप देखिए पेड़ों में, देखिए आप कितने पेड़ में सब सूख गया हो, पर पशु पक्षियों की आवाज भरे हुए हैं ये पूरा जंगल। तो मैंने सोचा कि इतनी सुंदर चीज, इतना अद्भुत दृश्य, यहाँ कुछ भी नहीं था, पहले ये रेतीली जमीन हुआ करती थी, इसमें से एक एक पौधा मुझे महाराज श्री विजय कौशल जी महाराज ने यहाँ पर लगा करके इसको बहुत सुंदर बनाया। तो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था, इस दृष्टि से हम आए, पर आज का दिन भी वैसे ही हम सब के लिए आज बहुत ही आनंद देने वाला दिन है। हम सब जो उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो मेरी बहुत आप सबको शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण वो उत्साह ऊर्जा साहस दें, और ध्यान रखिए भगवान कृष्ण का जीवन बहुत दिव्य और भव्य था। हम एक चीज से भी बचें, कभी कभी हम अपने दोषों के लिए भगवानों का आश्रय लेते हैं कि भगवान सच में मानिए वो ना उन्होंने चोरी करी ना उन्होंने किसी तरह के गलत काम किया, कभी फिर इसके विषय में बताएंगे। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, सुप्रभात, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामना।